प्रेगनेंसी एक बहुत सुखद और महत्वपूर्ण समय होता है हर महिला के जीवन में, पर इसमें कुछ परेशानियाँ, कुछ रिस्क हो सकती हैं और ऐसी ही एक रिस्क है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा कुंवर और मैं एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी पुणे में काम कर रही हूँ और आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज। प्रेगनेंसी से पहले महिला को डायबिटीज नहीं थी, उसके शुगर्स कंट्रोल थे और डिलीवरी के बाद वापस से ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज हुई उसे जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस इस कारण से होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में कई हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसे कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी इनकी मात्रा बढ़ती ही रहती है। सबसे ज़्यादा मात्रा 20 से 24 हफ्ते के दौरान होती है। तो ये हार्मोन्स हमारी इंसुलिन को ठीक से काम करने नहीं देते, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में और शुगर्स जो हैं बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सबको नहीं होता, ये किसी किसी को होता है। ये किसी किसी को इसलिए होता है जैसे उनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ रह चुका है प्रेगनेंसी में, पिछली प्रेगनेंसी में बच्चा बड़ा था या पानी ज़्यादा था या कई मिसकैरेज हो चुके हैं, उन फीमेल्स में ये ज़्यादा होने की संभावना होती है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ 24 हफ्ते के बाद ही डिटेक्ट हो पाती है। जैसे आम डायबिटिक पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं कि भूख बहुत लगना या पेशाब बार बार आना या पानी बहुत पीना, तो ये सब प्रेगनेंसी में भी नॉर्मली सारी पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं। तो एज सच कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन हाँ, ब्लड शुगर टेस्टिंग करने पर ही पता चलता है कि डायबिटीज़ है। इसके लिए एक टेस्ट है जिसको कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज देके 2 घंटे बाद ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है। अगर वो 140 से ज़्यादा आता है तो महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी में खतरे हो सकते हैं, स्पेशली बच्चे के लिए। बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है, बच्चे के अराउंड पानी ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी बच्चा यूट्रस में ख़त्म भी हो सकता है, और मदर को भी ब्लड प्रेशर हाई होने का चांसेस होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें। ब्लड शुगर कैसे कंट्रोल रखा जाएगा? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट कंट्रोल करें। डाइट में मीठा, आलू, चावल, इन सब का सेवन कम करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, भिंडी, यह सब आप खा सकते हैं। आटा, नॉर्मल आटे की जगह अगर आप बेसन का आटा लेना चाहें तो वो बेटर होगा। आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक डायबिटिक चार्ट बनवाएं तो ब्लड शुगर कंट्रोल में आपको मदद मिलेगी। साथ में एक्सरसाइज में वॉक्स, यूजुअली आफ्टर फूड, मतलब खाना खाने के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद हाफ एन आवर वॉक करने से आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। अगर डाइट और एक्सरसाइज से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमारे पास काफ़ी दवाइयाँ हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो कि सेफ़ हैं अब प्रेगनेंसी में लेने के लिए। लेकिन अगर इन सब से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमारे पास इंसुलिन है, वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट या डायबिटिक डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे और ये आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करेंगे।